सेना के एक बड़े रैंक के अधिकारी ने अपनी महिला सैनिकों के साथ दुराचार, यौन उत्पीड़न, बर्खास्तगी की तैयारी। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या फोर्स हो, उसमें लड़कियों की लगातार एंट्री बढ़ती जा रही है, लेकिन शारीरिक शोषण शुरू हुआ है और बहुत दबाया जाता है। दबाने के बाद एक ऐसा मामला उभर के आया जिसमें इनका बड़ा अधिकारी इसमें लिप्त और बर्खास्तगी की तैयारी हो रही है। और बात मोदी जी कह रहे हैं, मैं सेना और अर्धसैनिक बलों को कैसे बनाऊंगा सशक्त, और कितने कर रहे हैं वादे, और वादों का पोल खोल रही हैं प्रियंका गांधी। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। कब पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है? ये भी आपको मजेदार वीडियो देखने होंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि आखिर वो कौन सा मामला है जहां पर महिला सिपाहियों के साथ यौन दुराचार हो रहा है, घृणित कार्य हो रहा है, और ऐसा हो रहा है तो क्यों? जैसा हम सभी जानते हैं, सेना के अंदर बहुत सारी अग्निवीर हैं, सीएमपी के अंदर लड़कियां हैं जो देश की सेवा करना चाहती हैं। इसी तरह अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ है या सीआईएसएफ दूसरे फोर्स के अंदर भी बहुत सारी बेटियां हैं जो भारत माँ की रक्षा के लिए और अपना जॉब प्रोफेशन के लिए, अपने पैशन के लिए जाती हैं। और यहां पर बड़ा आरोप लगाया गया सीआरपीएफ के डीआईजी पर यौन उत्पीड़न के आरोप, सरकार ने शुरू की बर्खास्तगी की कार्रवाई। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के डीआईजी रैंकिंग अधिकारी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारी पर सीआरपीएफ की कई महिला कर्मियों यानी कितनी सिपाहियों कई महिला कर्मियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने आरोपी अधिकारी को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देर है अंधेर नहीं, जांच में सही पाए गए आरोप, गृह मंत्रालय ने आरोपी अधिकारी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जवाब मिलने के बाद गृह मंत्रालय बर्खास्तगी का आदेश जारी कर देगा। जिन अधिकारी के खिलाफ बर्खास्तगी कार्रवाई चल रही वो सीआरपीएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल खजान सिंह हैं। फिलहाल वह मुंबई में तैनात हैं। सीआरपीएफ की आंतरिक कमेटी ने खजान सिंह के खिलाफ जाँच की और जाँच में अधिकारी के खिलाफ लगे सभी आरोप सही पाए गए। कमेटी ने जाँच रिपोर्ट सीआरपीएफ मुख्यालय भेजी जहाँ इसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया गया और उनके ऊपर गृह मंत्रालय बर्खास्तगी की कार्रवाई करेगा। हालांकि उन्होंने आरोपों को इनकार किया है। दूसरे मामले की जांच चल रही है और वो जब तक थे एशियन गेम्स में 200 मीटर तैराकी इवेंट में सिल्वर मेडल विजेता हैं। जो भी हैं सीआरपीएफ में अभी 3.25 लाख कर्मी हैं। सीआरपीएफ में 86 बार महिलाओं को युद्धक भूमिकाओं में शामिल किया गया था। इसमें महिला सैनिकों की 6 बटालियन है, इनमें करीब 8,000 महिलाएं हैं, और उनका इस तरह शोषण होगा तो किस तरह होगा बेड़ा पार। और इस बात का डर था कि सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, बेल्ट फोर्स है, डिसिप्लिन फोर्स है, दबाव का फोर्स है, ऑर्डर का फोर्स है, हुक्म का फोर्स है, चमचागिरी का भी फोर्स है, और इसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं शारीरिक कहीं ना कहीं इस तरीके से उन्हें मजबूर और किया जा सकता है, और इस बात का ही डर था। और ऐसा मामला गंभीर मामला है, लेकिन दुख इस बात का है कि इतना बड़ा डीआईजी रैंक का अधिकारी इस तरीके के घिनौने काम है, जरूर बर्खास्त होना चाहिए, बाकियों को भी सबक लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सबसे बड़ी बात, मैं भारत सुरक्षित भारत की नीति, भारत की सीमाओं को करूंगा मजबूत, ड्रग्स तस्करी रोकूंगा, रक्षा फुटप्रिंट तैयार करूंगा, नई टेक्नोलॉजी लाऊंगा, अर्धसैनिक और सैनिक बलों को मजबूत करूंगा, साइबर क्राइम सुरक्षा नीति लाऊंगा, दिन रात मेहनत करके और हर प्रकार से इस अपने देश को सुरक्षित करूंगा। ये है मोदी जी का ऐलान। और चुनाव है, अलग अलग प्रकार के वीडियो आप भी जरा वीडियो देखिए। और लेकिन सबसे बड़ा मजेदार वीडियो है कि जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हाँ जी राहुल गांधी ने एक एक्सरे की बात की थी कि जैसे हमारी सरकार आएगी हम एक्सरे करके बहुत सारी चीजों का पता लगाएंगे, भ्रष्टाचार का, घोटाले का, लेकिन उसको मंगल सूत्र पे बात पहुंच गई है। जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। उसका मंगल सूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है
कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। आप सोच सकते हो क्या इतना बड़ी बात, इतनी छोटी बात इतना बड़ा व्यक्ति बोल सकता है कि नहीं कांग्रेस फलाने की सरकार आएगी तो वो एक्स्ट्रा करेंगे, आपके ट्रंकों में मंगलसूत्र सोना होगा, उसको आपसे छीना जाएगा, उसको दूसरों में बांटा जाएगा, बेचा जाएगा, मंगलसूत्र आपका गहना होता। क्या कहने वाले और सुनने वाले अब इतना उनका लोअर स्टैंडर्ड है सुनने का या समझने का, हंसी आती है नेताओं के ऊपर। क्या ये नेता हैं या बाजीगर हैं, या हमें सिर्फ ऐसे ही बहलाते फुसलाते रहेंगे? शायद इनका ज्ञान बढ़ रहा है, लग रहा है नीचे वालों का भी ज्ञान बढ़ रहा होगा। सच में आप इन वीडियो को देखिए, आपको हंसी भी आएगी और बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में अब इस तरह की डिबेटें हो रही हैं। कोई स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा, कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, और कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, कोई गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा, कोई समान न्याय अधिकार की बात नहीं कर रहा। ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, ऐसी ऐसी घटियां, ये सारी बातें हम लोगों के ऊपर जाल फंसाने की बातें, इनका कहीं कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसा कि कितने आरोपी नेता थे दूसरी पार्टियों में थे और एक बड़ी बड़ी पार्टी में घुस जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में जैसे सब साफ सुथरे हो गए, भाई ये एक बड़ा षड्यंत्र है, ये एक बहुत बड़ा माया जाल है। इसको शायद समझना हमारे जैसे सैनिकों के बस की बात नहीं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करें, धन्यवाद। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं, होते हैं ना, जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं, जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना। अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हो और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना। मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना, हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव। तो वो सोच रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि पद है, क्योंकि पद की गंभीरता है, वो सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही फिजूल की बातें करूंगा और पब्लिक सोचेगी कि ये सच है, ये सच हो सकता है। आप सोचिए, ये सच हो सकता है कि कोई ऐसा राजनीतिक दल सरकार बनाएगा जिसमें एक्सरे लेके आपके घर के अंदर घुसकर आपके गहने निकाल के किसी और को दे देगा? ये सच हो सकता है? अरे क्या इनको समस्या हो गई है हमारे न्याय पत्र से? क्या समस्या हो गई है? हम न्याय कह रहे हैं इसलिए, हम न्याय दिलवाएंगे इसलिए।